हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पीच कलर वाला हिबिस्कस जिसे मैंने 6 महीने पहले रिपोर्ट किया था, क्योंकि ये एक छोटा भी नहीं था, लगभग इससे थोड़ा ही छोटा होगा जिस ग्रो बैग में ये अभी लगाया है, पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो जो घर के बनाए हुए होते हैं वो थोड़ा सा, जिसमें हम जैसे कि कभी कोई सामान आता है, इस टाइप का भी नहीं था, थोड़ा सा और हल्का था। तो उसको मैंने उस टाइम पे जो है रिपोर्ट किया था और मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। और उसके बाद 6 महीने ही हुए हैं अभी इसको, शायद 6 से भी कम ही हुए हैं, क्योंकि 6 महीने 7 महीने हमें इस घर में आए हुए ही हुए हैं। तो इतने कम टाइम में भी ये मेरा प्लांट इतना ज़्यादा लंबा हो गया था और मैंने इसकी प्रूनिंग अभी कर दी है और वो मैं नहीं बना पाई। तो ये देखिए अब, क्योंकि ये ना इतनी स्पीड से बढ़ा, ये देखिए कितना ज़्यादा बड़े ग्रो बैग में है। हालांकि ये, और इसका आप स्टेम देख सकते हैं कितना जो है मोटा है। तो कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है मेरे हिबिस्कस में, कोई टाइम नहीं होता। हालांकि अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी, इतने सारे बर्ड्स और फ्लावर्स खिले हुए थे, लेकिन किसी टाइम तो हमें उसको प्रूनिंग करनी ही होगी। और बहुत ही ज़्यादा लैगी हो गया था, बहुत लंबा। तो मतलब इससे बड़े बड़े मैंने और प्लांट किए हुए हैं, पर सारे इतने बड़े नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी उनकी हमें जो है रूट प्रूनिंग करनी होती है। तो अभी मैंने इसको जो है, इसकी ब्रांच को प्रून कर दिया है, रूट प्रूनिंग अभी नहीं की है। तो अभी ये चल जाएगा साल भर तक, इसलिए क्योंकि हमने इसको ऊपर से ब्रांचेस को कट किया है, मतलब इसकी ब्रांच वाली प्रूनिंग की है। और ये देखिए कितनी सारी इसकी जो कटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं मैंने ये सभी जो है काट दी हैं और फूल भी खिले हुए थे। ये देखिए कितने सारी जो है, इतनी सारी कटिंग्स को मैंने इसकी जो है काट दिया, बहुत सारी हैं और कितने बड़े बड़े ये हैं। तो इनको भी मैं यहाँ कहीं, जो भी इसमें से अच्छी ब्रांचेज होंगी ना, मैं इन सबको लगा दूँगी। फेंकती तो हूँ नहीं, जो बहुत कमज़ोर सी होंगी, पतली सी, वो छोड़ूंगी, बाकी मैं इन सबको जो है कटिंग्स को लगा दूंगी। और मेरे यहाँ पर ज़्यादा कोई है नहीं कटिंग लगाने वाले, नहीं तो मैं उनको दे देती, और अपने कुछ पड़ोस में मैंने उनको ये वाला जो है पहले दिया हुआ है, तो उनके हो गए हैं काफ़ी। तो मुझे थोड़ा सा इसको रखना ही होगा, इतने सारे, कम से कम ये 50 से भी ज़्यादा हैं, तो मैं इतने सारे नहीं लगा पाऊँगी। और पता नहीं क्यों, जब भी मैं किसी प्लांट की प्रूनिंग करती हूँ ना, और जब भी वो ब्रांचेज निकलती हैं, तो बस एक भी ब्रांच को फेंकने का ना मन नहीं करता, चाहे कितने भी प्लांट हो। तो ये देखिए कितने सारी ये ब्रांचेज हैं। अगर कोई यहाँ पर मेरे से, मतलब कि ऐसा कोई गार्डनर होता अच्छा, तो मैं सारे उनको दे देती ताकि वो लगा लेते, और अब मुझे ही इनको कहीं ना कहीं लगाना होगा। हालांकि मैंने इसके 4-5 प्लांट रेडी किए हुए हैं। तो ये देखिए सामने जो लगे हुए हैं मेरे, ये 20-20 लीटर वाली जो बड़ी बाल्टियाँ बकेट होते हैं उसमें लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ट्री की तरह ये हो गए हैं। और फिर जब ज़्यादा बड़ा प्लांट हो जाता है और अगर आप उसकी प्रूनिंग नहीं करो, तो जो फ्लावर हैं उसका साइज़ छोटा हो जाता है और दिक्कतें आने लगती हैं। तो इनके स्टेम इतने मोटे मोटे हो गए हैं ना, कि अगर आप हाथ से इनको उठाएंगे तो प्लांट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे अपने प्लांट किए हुए हैं, जो लगभग ट्री की शेप, ट्री के बराबर हो गए हैं। और इधर देखिए मेरा ये नाग चंपा, आप देख सकते हैं वॉल को टच करने वाला है ऊपर, ये देखिए आप, ये भी 20 लीटर की बाल्टी में है और इसके जो स्टेम है इतना ज़्यादा मोटा हो गया है। तो इसको तो हमें रूट प्रूनिंग ही करनी होगी और ब्रांच की भी प्रूनिंग करनी होगी, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। हालाँकि इस प्लांट ने भी फ्लावरिंग नहीं स्टॉप की है, कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है सर्दी गर्मी, और आप देख सकते हैं अभी भी पूरी विंटर इस पर फ्लावरिंग हुई है, और समर में तो होती ही है। तो मेरे पता नहीं, कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जिन पर फ्लावरिंग होती ही रहती है, होती ही रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि इसका सीज़न कौन सा है फ्लावरिंग का, जब बरसात आएगी तब बहुत ज़्यादा होगी बस। और लेकिन अभी भी देख सकते हैं ऊपर, अगर आप देखेंगे तो धूप की वजह से थोड़ा दिख भी नहीं रहे हैं, फूल चारों तरफ अभी भी खिले हुए हैं, पूरे बंच में हैं, ये देखिए उधर भी हैं। तो और जो उसका छोटा वाला प्लांट है ना, जो मैंने रेडी किया, तो उस पर भी अभी तक फ्लावरिंग हो रही है। तो मुझे अभी
अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेन सीज़न कौन सा है इनकी फ्लावरिंग का, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करते हैं। और इस हिबिस्कस की भी क्या बात करूँ, कंटिन्यू फ्लावरिंग हो रही है, अभी भी आप देख रहे हो भर भर के फूल आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन को मुझे वो करना पड़ता है कि हाँ एक दिन तो प्रूनिंग करनी ही है, नहीं करूँगी तो फिर ये प्लांट अच्छी शेप भी नहीं होगी, फ्लावरिंग भी ठीक से नहीं होगी, क्योंकि फूलों का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। तो बस इस वजह से मुझे आज करना पड़ा, बहुत लैगी हो गया था और कुछ मिली बग्स भी लग गए थे। तो फिर मिली बग्स को तो मैं वैसे हटा सकती थी, लेकिन मुझे इसको प्रूनिंग ही करनी थी, तो बस ये देखिए मैंने प्रूनिंग कर दी। और प्रूनिंग करने से प्लांट को बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ़ायदा होता है आपके प्लांट को, नई नई ब्रांचेस निकल के आते हैं, प्लांट नई तरह से जो है ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, ब्रांचेज जो आती हैं फिर वो नई आती हैं, फ्लावर्स का साइज़ फिर जो फूल खिलेंगे उनका बहुत बड़ा होगा, बड्स अच्छे अच्छे निकलते हैं। और लेकिन अगर आप प्रूनिंग नहीं करते तो ये सारी चीज़ें जो हैं हाइड हो जाती हैं, फूल छोटे होने लगते हैं, पत्ते थोड़े छोटे होने लगते हैं, साइज़ ब्रांचेज भी ज़्यादा अच्छी अच्छी नहीं आती, ग्रीनरी कम हो जाती है, बहुत सारी आते हैं प्रूनिंग के लिए। तो प्रूनिंग करने के बाद जो है प्लांट अलग ही हो जाता है, जैसे नया उसे एक लाइफ मिल जाती है, वो बहुत अच्छी तरह से जो है सर्वाइव करने लगता है, आगे के लिए ग्रोथ करता है अच्छे से। तो टाइम पर जब भी आपको लगे कि आपके प्लांट बहुत बड़े से हो गए हैं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, फूलों का साइज छोटा हो गया है, तो आप भी उनकी जो है प्रूनिंग कर लें, क्योंकि प्रूनिंग सही रहता है। वो एक अलग बात है कि आप उसने अपने प्लांट को ये चेक करें कि आपको उसकी रूट प्रूनिंग करनी है या फिर ब्रांच की प्रूनिंग करनी है, तो ये आपको देखना होगा। तो मुझे फ़िलहाल अभी इस, क्योंकि 6 महीने पहले हमने इसको रिपोर्ट किया था, तो उसी टाइम पर हमने इसकी रूट प्रूनिंग भी की थी, तो रूट प्रूनिंग मैं नहीं करूँगी इस अभी साल भर तक, और इसीलिए हमने इसकी ब्रांच वाला जो है उसको प्रूनिंग किया है, मतलब ब्रांचेस को कट किया है। तो अब ये बहुत अच्छे से फेब तक जो है इसमें सारी जो ब्रांचेज हैं फूट जाएंगे और फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट होगी। मैंने कुछ ब्रांचेज छोटी छोटी को छोड़ा भी है ताकि प्लांट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि डाईबैक ना हो। तो इस वजह से ये देखिए ये ब्रांचेज को कुछ 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 छोड़ा हुआ है और थोड़ी सी शेप भी दे दी है, और एक दो ब्रांच को छोड़ दिया है डाईबैक होने की वजह से। तो बस यही मुझे शेयर करना था कि आप भी अपने प्लांट्स को देखें, अगर प्लांट देखने में सुंदर नहीं लग रहे हैं, फूलों का साइज छोटा हो गया है या फिर प्लांट के पत्ते छोटे हैं, येलो हो गए हैं, तो आप भी अपने की प्रूनिंग करें, प्रूनिंग हमेशा सही होती है। तो बस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगी, और ये जितनी भी मेरी इस प्लांट की जो ब्रांचेज कटिंग निकली हैं उनको भी मैं लगाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि फेंकूंगी तो मैं एक भी नहीं, बस कहीं ना कहीं लगाऊंगी। अब देखती हूँ कहाँ इनको मुझे एडजस्ट करना है। तो बस फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।